बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज से निकल के आज हम ऐसी जगह पे बैठे हैं क्योंकि आपको बहुत सारे लोग लाहौर के परदेश में बैठे हुए हैं और मैंने एक रेजोल्यूशन किया था जब अभी 2020 में मैं एंटर नहीं हुई थी। मेरे रब ने चाहा इंशाल्लाह तो मैं आपको जो मेरे परदेसी बहन भाई जो हैं हम आपको अपने मुल्क की याद ताज़ा कराने के लिए मैंने सोचा है कि मैंने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। हॉरोस्कोप तो मिलेगा, इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सैर भी होती रहे तो आपकी आंख को और कान को तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन आपकी आंख को भी अच्छा लगेगा। और इतने मज़े की जगह है, इतना लाइवलीहुड है लाहौर में। हालांकि मैंने आपको कहा कि मुझे अमेरिका की सर्दी, न्यूयॉर्क आयरलैंड है उसकी चिलिंग हवाएं, न्यू जर्सी की बर्फ, किसी ने मुझे बीमार नहीं किया। मुझे बीमार किया नमूनिया और वो मुझे कराया लाहौर की सर्दी ने। लेकिन आज इस कहते हैं ना जहर को जहर मारता है, तो अभी मैं नमूनिया से मुकम्मल निकली नहीं हूँ। हो सकता है अभी भी आपको मेरी खांसी का दौरा बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन मैंने कहा कि जहर को जहर मारेगा तो मैं क्यों ना सर्दी को एक और अपने अंदर उतारूं। हालांकि मैं बहुत पैक होके घर से आई हूं, लेकिन ये जो मज़ेदार सा फॉगी फॉगी ब्लर ब्लर सा मौसम है ना, ये लाहौर की खूबसूरती भी है, ये स्केरी भी है। मैंने डाला था फेसबुक पे आप लोगों के लिए, जब मैं सुबह 7 बजे उठ के जियो न्यूज़ जा रही थी 2020 की पहली सुबह लाहौर की सड़कों के ऊपर, तो मैंने लाइव वीडियो डाली थी कि देखें किस तरह हमारे बहन भाई सुबह सुबह उठ के अपने वर्किंग एरिया पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला, मुझे डर होता है जब मोटर बाइक्स पे होते हैं, तो मैं तो दुआएं करती हुई जाती हूँ अल्लाह पाक हर बंदे को उसकी डेस्टिनेशन पे अमन अमान से खैर से लेके जाइएगा। हर बंदा घर से रोज़ी कमाने, सुबह 7 बजे कोई फैशन में नहीं निकलेगा, निकलेगा तो मजबूरी में ही निकलेगा, और वो भी 2020 की इतनी वो खौफनाक अंधेरी सुबह थी। और मेरे जैसा भी, ज़ाहिर है मेरा सर्वाइवल भी ऐसे ही है, अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। 2020 में भी अब तक जिस तरह मैं लीड करती आ रही थी चैनल्स के ऊपर और जो एक इमेज मेरा बन गया था, और ये मैं नहीं कहती, ये टीवी के होस्ट मेरा इंट्रो देते हुए कहते हैं कि सामिया खान के बगैर नए साल का कोई भी शो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे रब ताला ने मेरी इज्जत इस बार भी रखी है कि हर चैनल वाला जो था वो इज़्ज़त बख्शते थे कि वो मेरे से पूछते थे पहले मेरी अवेलेबिलिटी मेरे अकॉर्डिंगली, फिर वो शो को प्लान करते थे। तो इस इज़्ज़त के लिए मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उन लोगों से ज़्यादा आप लोगों की हूँ। अगर आप लोगों का प्यार ना हो तो मैं इनकी डिमांड नहीं बन सकती थी ना। तो मेरे लिए तो लाइफ लाइन तो इन एनी केस आप लोग हैं, वो तो आप लोग मुझे डिमांड में लाने वाले ही आप लोग हैं कि एक इमेज बन चुका है कि मैं होंगी तो आप सीरियसली उस शो को देखेंगे या रिमोट को रोकेंगे या सुनेंगे। तो इस पजीराई के लिए 2020 का फिर से शुक्रिया। और मुझे याद है जब 2020 की पहली तारीख को मेरे घर से चैनल आखिरी चैनल जो था 5 बजे निकला, 5 से 6 मैंने रिकॉर्डिंग कराई, तो मैंने और सुबह 7 बजे मैं जियो न्यूज़ पे थी, उसके बाद मैं जी टीवी पे थी, उसके बाद मैं समा पे बिलाल कुतुब साहब का प्रोग्राम किया, मैं घर वापस आती हूँ तो जो है मैं वो प्रोग्राम करती हूँ जो है अपना क्या कहती हूँ आके। हाँ, मैंने कहा जी, मैंने एक चैनल वालों को कहा कि उनका प्रोग्राम रिकॉर्ड करना था, मैंने कहा अगर आप लोग 5 से लेट हुए तो मैंने मुंह धो देना है, क्योंकि सुबह 7 बजे का मेकअप था मेरे मुंह के ऊपर। तो वो कहने, मैं क्या मुंह धो दूंगी तो आप मुझे वैसे ही स्क्रीन पे नहीं लेंगे। लेकिन खैर, उनका शुक्रिया कि उन्होंने 5 to 6 रिकॉर्ड किया। अल्लाह पाक इज़्ज़त रखें, जिस तरह वो बचा लेते हैं मेरी इज़्ज़त को,
ابھی بھی ان سے درخواست ہے کہ وہ دعا جو ہے اللہ پاک جو یہ عزت دی ہے اور جس پوزیشن پہ ایک نو بڈی ٹو سم بڈی کا جو سفر ہے یہ میں نے جان بڑی ماری ہے. آپ یقین کریں میں نے بہت جان ماری ہے. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے اس لیے ڈسکس کرتی ہوں کیونکہ میرا مزاج نہیں ہے جان مارنا. میرا مزاج اللہ پاک نے, میں نے تو بی اے کے بعد گریجویشن کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی کہ مجھے صبح اٹھنا اتنا مشکل لگتا تھا. صبح اٹھ کے کام پہ جانا, ابھی بھی جو صبح اٹھ کے کام پہ جا رہے ہوتے ہیں, جو بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, یقین کریں مجھے بہت ترس آتا ہے ان بچوں کے اوپر کیونکہ مجھے ان پہ واقعی بہت پیار آتا ہے. میرا شاید میں تو بچے کو پڑھاتی نا, اس لیے رب نے مجھے اس امتحان میں نہیں ڈالا کیونکہ مجھے وہ سوتا ہوا معصوم بچہ, اس کو اٹھانا اتنا مشکل لگتا ہے. بیچارہ اٹھ کے وہ نہائے گا, وہ ٹوتھ برش کرے گا, وہ اسکول جائے گا. سخت زندگی ہے. ہم اپنی زندگی کو کہتے ہیں, ان معصوموں کی زندگی تو زیادہ سخت ہے. اور اب تو ماؤں نے سہولت بنا لی ہے, 2.5 سال کا بچہ اسکول میں ڈال دیتے ہیں, اس بچے کو اپنا چائلڈ ہوڈ بھی انجوائے نہیں کرنے دیتے اور اس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے. حالانکہ میرا یہ کہنا ہے کہ جو بچے کے پہلے 5 سال ہیں وہ اس کا جو اسکول ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے. وہ جو گود اسے کانفیڈنس دیتی ہے 5 سال, وہ تعلیم اس کو اس انسٹیٹیوشن میں نہیں مل سکتی. لیکن ایک نیا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ماؤں نے بھی سہولت دیکھ لی ہے, ورکنگ لیڈیز ہیں, انہوں نے بچوں کے ٹھکانے ڈھونڈ لیے ہیں, تو اس کا تو اب کچھ نہیں کیا جا سکتا. میں ان ماؤں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ جو بچے کی پہلی 5 سالہ ایجوکیشن ہے وہ آپ لوگوں کی گود ہے. گود سے نہ اتاریے اتنی جلدی بچوں کو. جو آپ کی لیب ماں کی گود جو کانفیڈنس دے گی نا, وہ پہلے 5 سال یاد رکھیں وہ بچہ اتنا اسٹرانگ ہو کے زندگی کا مقابلہ کرے گا, اتنا اسٹرانگ ہو کے کرے گا. آپ جب اسے اپنی گود سے دور کرتی ہیں اس کا ایک کانفیڈنس وہیں پہ ہل جاتا ہے نا. اور اگر آپ کی مجبوری ہے ایسا کرنا تو پھر ان کو جو ہے وہ مکمل وہ جو ہے پیار دیجئے, توجہ دیجئے, ان کے ساتھ اسکول کے ماحول میں پورا جلن ہوئیے تاکہ بچہ کانفیڈنٹ رہے. یہی بچہ آپ نے, یہ بچہ اپنا ریز نہیں کرنا, آپ نے ایک سوسائٹی بنانی ہے. آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی کو بنانے میں, تو اس لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے جو بچے کو آپ نے ریز کر کے اسکول میں جو ڈالنا ہے. میں کس بحث میں جا نکلی, لیکن وہ اس لیے جا نکلی شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. یہاں پہ میں شیئر کرنا چاہوں گی ایک مزیدار سی دعا. اس سال میرے ساتھ تو بڑے عجیب عجیب واقعات ہوئے. ریزولوشن تو میں نے کیا تھا اور آپ ابھی میں ایک ویڈیو ڈالوں گی جن کے ریزولوشنز بہت کلکنگ آئیڈیا مجھے کسی کا لگا نہیں ہے, لیکن جو آئیڈیاز ہیں, نیک ارادہ بھی خوبصورت بات ہے. لوگوں نے بڑے نیک ارادے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں اور ابھی ہم اس پہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں بناؤں گی, اب آپ کو ایک انفارمیشن کی دوں گی. دوسرا مجھے جو اچھا لگا, آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں. میرا ایک نیفیو ہے, مہدی اس کا نام ہے, تو وہ عمرے پہ جا رہا تھا. اچھا, مہدی کو اللہ نے بہت ہی ایک اسپیشل دماغ دے کے بھیجا ہوا ہے, اور مہدی کے ذمے میں نے فون کیا کہ عمرے پہ جا رہا ہے. مجھے اس کی دادوں نے کہا کہ سامعہ اگر تم اپنی دعا مہدی کے ذمے لگا دو گی اس کو زیادہ یاد رہے گا. اچھا جی, میں نے دادوں کو تو خدا حافظ کہا. دادوں بھی جا رہی تھیں, اس کے اماں ابا بھی, دونوں بھائی بھی, ان کے چاچو بھی. تو میں نے جو مادی کو پھر فون کیا, مادی کو الگ فون کیا خدا حافظ کہنے کے لیے. میں نے کہا مادی ایک کام کرنا کہ پنکی کے لیے کیا لے کا مانگو گے اللہ کے گھر سے. اچھا, وہ معصوم دماغ یہ سمجھا کہ میں شاید پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا لے کے آؤ گے, تو اپنی ماں کو کہتا ہے مما آپ, میں ہولڈ پہ تھی, مما آپ کے پاس میک اپ ہے؟ اس نے کہا میک اپ کیا کرنا ہے؟ یہ پنکی کو دینا ہے. اس نے کہا شاید پنکی اللہ کے گھر سے میک اپ مانگ رہی ہے. میں نے کہا نہیں مادی, آپ نے میری دعا مانگنی ہے کہ اللہ میاں پنکی کو آسانی دے دیں. تو کہنے لگا وہ کیا ہوتی ہے؟ میں کہا بچے وہ کہہ دینا اللہ میاں کو سمجھ آ, اللہ پاک کو خود ہی بات سمجھ آ جائے گی کہ جو ہے وہ میں کیا مانگ رہی ہوں ان سے. تو مادی نے کیا کیا کہ پھر میں نے دوبارہ فون کیا
कहते मुझे याद है वही आसानी वाली दुआ. मैंने कहा हाँ बेबी वही आसानी वाली दुआ जो है ना. अच्छा उसकी माँ ने क्या किया कि हरम में वो बच्चा खड़ा हुआ है, मैं भी आपके साथ उसकी वीडियो भी इसमें शेयर करूँगी, उसकी पिक्चर्स भी इस छोटे मासूम फरिश्ते की शेयर करूँगी, और मुझे उसकी दुआ मांगने से लगा कि अब मेरे सारे गुनाह माफ़ पिछले सालों के, और अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में आसानी कर देनी, क्योंकि बच्चे फरिश्ते होते हैं, उनके दिल से निकला हरम के सामने, हरम शरीफ के सामने वो बच्चा खड़ा हुआ है और रब ताला से क्या कहता है कि अल्लाह मियाँ पिंकी. अच्छा बल्कि उसने उसके घर वालों ने मुझे कहा कि जब हम उमरा करके हटे तो मुझे कहता है अले हम तो भूल गए कुछ. उन्होंने कहा वो क्या, पिंकी की तो दुआ मांगी नहीं. तो फिर उसकी माँ ने वीडियो बनाई जो वो मेरे लिए हरम शरीफ के सामने दुआ मांग रहा है, वो मैं आपको अपने लफ्ज़ों में नहीं कहना चाहती, यहाँ पे वो वीडियो लगेगी और मादी की इस दुआ पे आप सब सिर्फ आमीन बोल दीजिएगा. ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस पे सिर्फ आमीन बोल दीजिएगा. शायद आपका आमीन कहना उसकी दुआ पे और मोहर लगा दे और अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते आसान कर दे. मैं इस नमूनिया में भी देखें जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के जो है साथ नए नए वेंचर्स शेयर करूँ. लाहौर की सैर कराना आप लोगों को शुरू करूँ, और जो परदेसी मेरे बहन भाई सुनते हैं उनको एक लाहौर की जो और अपने वतन की जो मिट्टी की खुशबू है ना, बस उसने जो है पागल कर देना. ये मुझे पता है कि अपने वतन की मिट्टी की खूबसूरत खुशबू जो है ये आपको इस वीडियो में से भी आ जानी है. और यही तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने वतन को ना भूलें, ना दुआओं में भूलें, ना अपने प्यारों को भूलें. और लाहौर के लोग तो वैसे ही लाहौर से दूर रहना उनके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि लाहौरी को आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में रख दें उसके लिए लाहौर ही पेरिस है, लाहौर ही उसके लिए स्विट्ज़रलैंड है, लाहौर ही उसके लिए जो है वो ज्यूरिक है, मतलब उसके लिए जो है वो लाहौर एक हवाई से कम नहीं है. वो दुनिया की किसी खूबसूरत जगह पे भी रह रहा होगा लाहौर है. तो ये आप लोग मुझे याद करेंगे कि ये मैं बात कोई हवाई नहीं कह रही, ये मैं कब शिफ्ट हुई थी लाहौर में, मैं आई वॉज बोर्न एंड रेज इन इस्लामाबाद, और मैं वहीं पैदा हुई, वहीं पढ़े लिखे, और 2004 से शायद हम लोग लाहौर में हैं. लेकिन मेरी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकी सिर्फ लाहौर के ट्रैफिक में, मैं गाड़ी नहीं चला सकती, वो एक जिहाद लगता है मुझे, क्योंकि मैं उस तरह ट्रेन नहीं हूँ गाड़ी चलाने के लिए ना, हम तो सीधा सीधा अपने रास्ते पे चलना जानते हैं. लाहौरी आपका रास्ता काटेगा, अपना रास्ता वहाँ से बनाएगा, चाहे आप हॉर्न देते रह जाएं, चाहे आप मुंह से गलत अल्फाज बोल दें. मुझे याद है कि मोहम्मद छोटा सा था और वो मुझे देखता था गाड़ी चलाते हुए, जब मैं गाड़ी में कभी कभी आप फिर गुस्से में बोलते हो ना फलाना ये थोड़ा सा गलत ज़ुबान भी यूज़ हो जाती है, तो मोहम्मद बकायदा बैठता नहीं था सीट पे, डैशबोर्ड पकड़ के खड़ा हो जाता था और मेरे लिए रास्ता बनाता था, और वो वही लैंग्वेज बोलना शुरू हो गया, ओए पीछे तो ओए उधर जाओ. तो फिर मैंने सोचा कि ये मुझे देख के ये भी पिक कर रहा है ये लैंग्वेज, तो फिर मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, क्योंकि बच्चा वही सीखेगा जो हमें बोलता हुआ देखेगा. तो अब हम अपने हॉरोस्कोप की बिस्मिल्लाह करते हैं. जो आपके रेजोल्यूशंस के वो हैं चीज़ें वो मैं आप लोगों से भी बाद में शेयर करूंगी इंशाल्लाह. और तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा था कि 2020 का जो तोहफा हम देंगे आप लोगों को वो अब दूंगी, और ये रेगुलर मिलेगा आप लोगों को. नाउ दिस इज़ दी अनाउंसमेंट जो मैंने आपसे कहा था कि मैं नए साल के अगले हॉरोस्कोप में एक अनाउंसमेंट दे दूंगी. अब आप लोगों ने प्लीज़ ये पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है. आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ सही वाला, अपना बॉर्न टाइम, अगर आप कहीं मुल्क के किसी कोने में पैदा हुए तो उस टाइम को आपने मुझे ट्रांसफ़र करके बताना है कि पाकिस्तान में वो क्या वक्त था. आपने ये इंफॉर्मेशन और अपने प्रिसाइज तीन सवाल,
बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एडिशनल दूंगी, आपका स्टोन, आपके कलर्स, आपका डे, आपका सदका, लेकिन आपने तीन प्रिसाइज सवाल मुझे जो है ना उसके साथ लिखने हैं। और आप अब ये प्लीज़, ये आपने मेरे टेलीफोन पे नहीं लिखने, वहाँ से मुझे नहीं मिलेंगे, ये आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखने हैं। अब हमारी टीम वहाँ से 5 को सिलेक्ट करेगी और हॉरोस्कोप पूरा आप लोग सुना करेंगे, एंड पे उन 5 सवालों के जवाब हुआ करेंगे, 5 लोगों के 3-3 सवालों के जवाब हुआ करेंगे हॉरोस्कोप जब ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने आखिरी पार्ट को मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें जो भी मुझे टीम सेलेक्ट करके देगी वो आखिरी 5 के नाम जो है उसके ऊपर लिखे होंगे। और प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी भी टेलीफोन पे डालेंगे इट्स यूज़लेस, क्योंकि जो टीम यूट्यूब को हैंडल करती है वो उसको वहाँ से सवाल 5 को निकालेगी, और हॉरोस्कोप जब एंड होगा उन 5 लोगों के सवाल, 3-3 सवाल मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ आपके हॉरोस्कोप के एंड पे वो शामिल किए जाएंगे। तो ये 2020 का आप लोगों के साथ जुड़े रहने का इससे खूबसूरत आइडिया मुझे नहीं आ सकता। तो इसके साथ ही अब मैं अपने हॉरोस्कोप की बिगनिंग करती हूँ, आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद हॉरोस्कोप की बिगनिंग करते हैं। थैंक यू जी, वेलकम बैक। आज मैं ये नहीं कह सकती सामिया खान लाउंज, सामिया खान के वतन में वेलकम बैक। और ये उन लोगों के लिए है मेरे परदेसी बहन भाइयों के लिए, ताकि वतन की मिट्टी की खुशबू वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको याद कराए, आप अपने वतन में वापस आएँ, अपने प्यारों के साथ मिलें आके। यार जो मैं कहती हूँ ये प्यारे ही आपकी प्यारी ज़िंदगी का सबब हैं, वरना ज़िंदगी में कोई प्यारापन नहीं है, प्यारों के बग़ैर ज़िंदगी में कुछ प्यारा नहीं है। तो याद रखें जो प्यारे हैं उनकी कदर करें। और अब हम स्टार्ट करेंगे बुर्ज एरीज यानी के बुर्ज हमल वालों से। और क्योंकि मैंने बीच में आप लोगों को अभी भी 7 जनवरी तक का हॉरोस्कोप तो मैंने डाला था, लेकिन क्योंकि अब मैंने इसको रेगुलर करना है ताकि एवरी संडे को अपलोड हो जाए करे, तो मैं पिछले हफ्ते के 6 और 7 के जो दिन हैं वो ऐड करने जा रही हूँ। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं अमेरिका जाते हुए 31 दिसंबर तक का हॉरोस्कोप मैं दे के गई थी, मैं वापस आई, मैंने आपको 1 से 7 तक का हॉरोस्कोप दिया, लेकिन अब हमने इसको रेगुलर क्योंकि करना है, तो अब हमारा इस दफ़ा हफ्ते से हम रेगुलर होने जा रहे हैं। ज़िंदगी हमें मौका दे रही है कि हम फिर से आपके साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर उसी तरह इंटरेक्शन करें। जिनको नहीं पता कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, एक मेरे बड़े साथी बहुत प्यारे एस्ट्रोलॉजर हैं, अजमल उनका नाम है, और उनका बड़ापन है कि वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि मैं सामिया जी आपका हॉरोस्कोप सुनता हूँ अपने लिए, और आपकी एक एक बात मेरे पे फिट हो जाती है। बल्कि उन्होंने ऑन एयर न्यू टीवी के एक प्रोग्राम में, बीनिश सलीम मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त हैं, उनके प्रोग्राम में ये कन्फेस भी किया कि सामिया की पेशगोइयाँ मेरे लिए बहुत वो सही साबित होती हैं। तो ये उनका बड़ापन है। अजमल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। अजमल साहब समझते हैं मैं सब कुछ लिखा हुआ बोलती हूँ। अजमल साहब ये वो डब्बे हैं, मैं बिल्कुल लिखा हुआ नहीं बोलती, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि तारीखें लिखी हुई हैं, इसमें लिखा हुआ है सूरज कहाँ है, इसमें लिखा हुआ है वेनस कहाँ है, मार्स कहाँ है, इस पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। मैं जो बोलती हूँ मैं बिल्कुल एक्सटेम्पोर बोलती हूँ, बिल्कुल इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट इसके अंदर शामिल नहीं है। अच्छा जी, बुर्ज एरी से हम अजमल साहब की तसल्ली, वो उन्होंने मेरे पे कुछ डाउट नहीं किया, उन्होंने तो मुझे अप्रिशिएट किया कि तुम इतना लंबा कैसे लिखती हो सामिया और फिर बोलती हो। तो मैंने कहा ये तो डब्बे डब्बे बने हुए होते हैं, बोलना तो इसका और ज़बान का कनेक्शन मुझे बनाना पड़ता है। और आप लोगों को मैंने पहले भी शेयर किया था, मैं हर उसमें आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि 2020 बहुत रैपिड चेंजेस का साल है। तो मैंने कहा था कि एक इसमें आज़म आप लोगों ने हर बंदे ने हस्ब तौफीक पकड़ लेना है, वो है अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाहु अकबर, ताकि अल्लाह पाक आप सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ करें। और जो है ये वाला विर्द आप लोगों ने, अल्लाह ताला का नाम रिस्क में भी बरकत डालेगा
और अल्लाह अकबर तो उनसे बड़ी तो कोई ज़ात नहीं है, वो आपके लिए बड़े बड़े मसलों को छोटा छोटा करते जाएंगे, तो ये होगा मौजज़ा। तो आपने इन दो नामों को जब जोड़ेंगे ना, आपके बहुत सारे सवाल जो हैं वो हल हो जाया करेंगे, मुश्किलात हल हो जाया करेंगी। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं जी बुर्ज एरीज यानी कि बुर्ज हमल वालों से। वैसे तो सितारों की कंटिन्यूटी वही है, 6 और 7 की जो दो तारीखें हैं, कोई माली मसला हल होने की खबर आपको मिल सकती है, कोई माली मसला हल होने की खबर आपको मिल सकती है। 8 और 9 ख़ानदान के किसी बंदे पे अगर आपको गुस्सा आता है, तो वो जो हमारा नया साल का जो रेजोल्यूशन है कि बर्दाश्त का से काम लेना है आपने, तो आपने 8 और 9 की जो दो तारीखों में किसी भी कंट्रोवर्शियल इशू पे बात नहीं करनी, ताकि जो है कोई भी मसला आप लोगों के लिए उसमें ना बने, कोई भी चीज़ आप लोगों को उसमें आपस में ताल्लुकात को कशीदा ना कराए। और उसके अलावा फिर 10 और 11 फिर अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ आपका मूड एकदम यकदम अच्छा हो जाएगा। तो मूड अच्छा हो जाएगा तो चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। हाँ, 12 का दिन थोड़ा सा जो है वो लेज़ीनेस भी शो कर रहा है, 12 का दिन थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस भी आपके ऊपर इंडिकेट कर रहा है। जैसे पिछले हॉरोस्कोप में भी हमने कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर ज़रूर है, स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई जो है वो बेहतर हालात बनेंगे। जो एरीज बच्चे पेपर्स दे रहे हैं, जिन एरीज बच्चों का रिज़ल्ट आना है, जो बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं, अचानक ट्रेवल आप लोगों का बन सकता है। अचानक की पैकिंग एहतियातन करके रखिए, ताकि एट द 11th आवर पर इंसान बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस कर जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो नज़र आता है कि जो एरीज सियासतदान हैं, जो एरीज मीडिया में हैं, और जो एरीज बिजनेस में हैं, और जिनके करियर की में कोई तरक्की अगर रुकी हुई है, तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा। इस वक्त दबाव सितारों का सारा आपके 10वें घर के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन होगा क्या कि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, तो इंशाल्लाह जनवरी ख़त्म होने से पहले पहले कोई रास्ता बन जाना है। जो पॉलिटिशियंस हैं, इस वक्त थोड़ा सा सोच समझ के स्टेटमेंट देते हुए कोई चीज़ डिलीवर करते हुए, ताकि किसी भी चीज़ को मौका नहीं आपने देना कि उसको आपके अगेंस्ट जो है ना वो ये लोग को इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो और जो बिज़नेस के लोग हैं उनका भी कोई रास्ता निकल आना है। कभी लगेगा डील तय हो रही है, कभी लगेगा चीज़ें पीछे जा रही हैं, तो इस सिचुएशन से ऑफेंस में नहीं आना, आपने जुते रहना है अपनी कोशिश के लिए जो है, और उसी कोशिश का कोई ना कोई नतीजा निकल आना है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो एक चीज़ अच्छी होने जा रही है, दोस्त काम आएंगे। अगर आपके दोस्त कोई ब्रिज बन सकते हैं, और अगर कोई दोस्त इस पोजीशन में है तो आप उससे मदद मांग सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई मसला किसी दोस्त की मदद से हल हो सकता है। दोस्तों के साथ वक्त गुजारिएगा एरीज, अच्छा वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह ताला, ताकि जो है वो आपको इस वक्त में चीज़ें जो हैं ज़रा सा ज़िंदगी की जो तलखी है वो दोस्तों की कुर्बत में आसान हो जाएगी। तो तय क्या पाया कि 6 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक सितारे पोजीशन बिल्कुल ठीक है। 8 और 9 की जो दो तारीखें हैं, उसमें घर वालों के साथ या घर के किसी मसले में अपसेट ना होइएगा, आसानी से रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आसानी बन भी जाएगी। 12 का दिन थोड़ा लथार्जिक इंडिकेट होती है इंडिकेशन, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, या वर्क जो है उसको आपने ज़रा सा मैनेज करना है। और एरीज, शायद मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले या मैं भूल ना गई हूँ, जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, और जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ ना हो, तो जिनके नाम ए से, आई से, यू से, एल से, वाई से जिनके नाम शुरू होते हों, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आ गई अगले सितारे के ऊपर।
برج ٹورس یعنی کہ برج سور والے جو لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ اپنا تاریخ پیدائش, اکثر کے پیرنٹس بھول جاتے ہیں, اردو میں جن کا نام بے سے, انگلش میں جن کا نام بی فور بوائے والا بی سے شروع ہوتا ہے, وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد بالکل لے سکتے ہیں. ٹورینز زندگی بڑی انایکسپیکٹڈ اور انسرٹن چیزیں بھی کر رہی ہے آپ کے لیے, حالانکہ آل دو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹورینز کہ آپ لوگ چینجز اتنی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے جو ہے وہ چینجز کو ایکسیپٹ کرنا, اسی وجہ سے جو ہے, لیکن زندگی کچھ عرصے سے ذرا سی انکائنڈ چل رہی ہے, کبھی وہ انایکسپیکٹڈ اپ اینڈ ڈاؤن آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں. جو اس ہفتے کی جو خبر ہے آپ لوگوں کے لیے, 6 تاریخ سے لے کے 12 جنوری تک ہفتے کی پوزیشن آل اس میں سیف نظر آتی ہے, بلکہ 8 اور 9 جنوری کے اندر پیسے بھی آتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں سے. تو اگر تو اپنے ہی پیسے مانگنے ہیں تو یہ بیسٹ ڈیٹ ہیں ڈیمانڈ کرنے کے لیے. 10 اور 11 کی 2 تاریخوں میں اگر آپ کو کہیں سفر کرنا پڑتا ہے, اندرون ملک کہیں جانا پڑتا ہے, تو اپنا صدقہ دے کے سفر کیجئے گا, کیونکہ گاڈ فوربڈ یہ نہ ہو کہ کوئی مشکل آپ کو فیس نہ کرنی پڑے, یا اپنی گاڑی کو چیک کر کے کوئی مکینیکل ایشوز نہ ہو, گاڑی کے ٹائروں کی ہوا برابر ہو, تو ذرا سا احتیاط کے ساتھ. 12 کا دن فیملی ایشوز میں بالکل آپ نے دور رہنا ہے, آپ نے کسی بھی کانٹروورسی کے اندر آپ لوگوں نے نہیں جانا. اچھا جی, اس وقت جو ہے ایک پرابلم آئے گی, پیسہ ٹکے گا نہیں ٹورینز, کوئی نہ کوئی ایسا خرچہ, شادیوں کا بھی سیزن ہے, ضمانتوں کا بھی سیزن ہے, ہو سکتا ہے ضمانت کے مچلکے بھرنے پڑ جائیں, اور جو ہے یہ تو مذاق میں کہہ رہی ہوں, لیکن کوئی نہ کوئی فائنینسز کا لوڈ آپ کے اوپر رہنا ہے, اور آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی اتھوں آئے سی پیسے کتنے چلے گئے. تو کوئی بات نہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لیکن جانے کے لیے ان کا آنا بہت ضروری ہے نا. تو اگر آ رہے ہیں ایز فار ایز اور بچت نہیں ہو رہی تو بالکل نہ پریشان ہو, کچھ عرصے کے بعد یہ ستارہ یہاں سے نکل جائے گا, سیونگز سٹارٹ ہو جائیں گی. اچھا جی, جو ٹورین اسٹوڈنٹس ہیں, واہ واہ واہ, اس وقت دباؤ بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کے اوپر. اگر کسی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں دباؤ لگے گا, ہوپ بنے گی ٹوٹے گی, پر آپ نے ہمت نہیں ہارنی. ان دی اینڈ آپ کو اپنا گول مل جائے گا, آپ کو اپنی من پسند یونیورسٹی, آپ کو اپنا من چاہا رزلٹ مل جانا ہے. اچھا جی, اگر آپ امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ایسا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو مستقل ریجیکشن ہو رہی تھی, تو میرا خیال ہے 15 جنوری یا 24 جنوری کے بعد اس کا پروسیس سٹارٹ کر دیجئے گا. میرے رب نے چاہا تو اس باری نہ نہیں ہوگی ٹورینز آپ لوگوں کو. جن کے کیسز ہیں ان کو اسی سال ڈائریکشن مل جائے گی اس کیس سے نکلنے کے لیے. تو آپ لوگوں کو دیکھیں, ابھی بھی زور ہے صحیح, لیکن زہر کو زہر کاٹتا ہے نا, نمونیا کو یہ پار کی آج ٹھیک کرے گا. تو جو ہے وہ کوئی ڈائریکشن کیسز میں آپ لوگوں کو مل جائے گی, اور روحانیت والے جو فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی منزل اگر حاصل کرنی ہے, وہ ایک روحانی کسی اس پہ پہنچنا چاہتے ہیں, کوئی کامیابی لینا چاہتے ہیں, ڈٹے رہیے, جمے رہیے, لگے رہیے منا بھائی, ان دی اینڈ رب تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑ لینا ہے. کیریئر والوں کے لیے اچھی خبریں ہیں, جن کے بزنس ہیں, جو لوگ لائم لائٹ میں ہیں, اس وقت تھوڑا آپ پہ ستارے کی مہربانی ہے, اور ستارہ وہاں پہ آپ کو سہولت دے رہا ہے, فسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ اس وقت لائم لائٹ میں ایزیلی چیزوں کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں, کیونکہ لائم لائٹ میڈیا اٹس ناٹ این ایزی جاب. ہوتا کیا ہے, زبان اور دماغ کا کنیکشن بہت ضروری ہے, ورنہ ہمارے بہت محترم اور بڑا معزز نام فیض الحسن چوہان صاحب, مجھے لگتا ہے کہ وہ بولتے ہوئے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اتنا ایگریسو سٹائل تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, ہونا بھی نہیں چاہیے اصولاً.
तो ज़बान और दिमाग का कनेक्शन मीडिया के लिए सबसे बेसिक चीज़ है, वरना मुझे आज भी याद है कि हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं नबीहा एजाज, अभी भी न्यो पे एंकर हैं, और बहुत ऐसा पहले हम लोग जियो में इकट्ठे जॉब करते थे, तो जियो पे हम लोग सारे वो बैठे हुए थे और उन्होंने खबर पढ़नी थी कि कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लकड़ियों की कीमत में इजाफा, और उनके मुंह से क्या निकल जाता है, कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लड़कियों की कीमत में इजाफा। ओ माय गॉड, उनकी ये गलती इतनी मासूम थी, वो जो जैसे वो बादामी का मासूमाना सवाल होता है, वो इतनी मासूम सी उसकी गलती थी कि वो हमें आज भी याद है, और मैं तो जा पढ़ती हूँ जब मुझे मंजर याद आता है कि इस कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लड़कियों की कीमत में इजाफा। तो ये जो है कभी कभी बर्न, और हमारे कितना बड़ा नाम है कामरान खान साहब, तो उनके मुँह से क्या निकल गया, मैं आती हूँ ब्रेक के बाद, तो ये भंड हो जाते हैं ज़रा सा भी अगर आपका दिमाग और ज़बान का कनेक्शन आउट हो। तो जो टोरियंस मीडिया में हैं, लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बेहतर ख़बरें हैं, आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, बेहतर नतायज आपको मिलेंगे, और जिनके बिजनेस हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, जिनके करियर हैं, करियर टोरियंस इस वक्त स्मूथ होने जा रहे हैं। अगला सितारा आ गया जेमिनी, यानी कि बुर्ज जौजा वाले जो लोग हैं, बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ इनकी ग्रिप होती है, एम्बिशियस होते हैं, ऊंचे सपने देखते हैं, और सपने उनको रिवॉर्ड भी मिलता है, रिवॉर्ड हर किसी को मिलेगा, सपना वो होता है जो सोने नहीं देता, जो सोते में देखते हैं वो ख्वाब होते हैं, और ख्वाब दीवानों के ही होते हैं, लेकिन सपना आपका एम्बिशन वो होता है जो आपको सोने ना दे। अच्छा जी, जेमिनाइज पे मैं आई, हफ्ता कैसा रहेगा, जेमिनाइज 6 और 7 जनवरी, थोड़ा सा मूड स्विंग्स, थोड़ा सा आपको खामखा लथार्जिक, आपको लगेगा कि यार दिल ही नहीं चाह रहा, कट जाऊं, इतना सा आपको दिन, थोड़े से 2 दिन हैं ये, लेकिन जैसे ही आप 8 जनवरी में एंटर होंगे, सितारा वहाँ से आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अभी तो मैंने आप लोगों के लिए बनानी है साल कैसा रहेगा, 8 और 9 जनवरी से ज़िंदगी आपको वहाँ से फैसिलिटेट करेगी, 10 और 11 की तारीखों में पैसों की इंडिकेशन होती है, हालांकि आपके हाथ से पैसे बहुत गए हैं, जेमिनाइज आपको भी समझ नहीं आती होगी टिक क्यों नहीं रहा ये पैसा, दबाव इस वक्त भी सितारों का, इतने सितारों का दबाव आपके खाने माल के ऊपर है, लेकिन इस दबाव ने ही कोई पैसे आने का रास्ता निकालना है, तो ये जो दबाव है इसके दबाव में नहीं आना, आपने इसके दबाव में रह के निजात का कोई रास्ता निकालना है, और अल्टीमेटली वो रास्ता मिल जाना है आपको। कितनी प्यारी आवाज़ें हैं बच्चों की, यही तो पार्क का हुस्न होता है। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है 10 और 11 की तारीख फैसिलिटेट कर रही है, 12 का दिन अगर कोई ट्रैवल आपको करना पड़ता है तो ज़रूर सदका दे दीजिएगा। इस वक्त जो रिश्ते हैं, चाहे वो आपके अज़दवाजी हैं या आपकी पार्टनरशिप है, एग्रेसिव नहीं होना, मिजाज में तुंदी तेज़ी नहीं लेके आनी, वो जो नए साल का रेजोल्यूशन है, थोड़ी सी बर्दाश्त, थोड़ी सी टॉलरेंस, और बड़ा सा रिवॉर्ड फाइनली, तो ये मिलेगा आप लोगों को। अच्छा जी, दूसरा जो है पैसे, इंशाल्लाह अल्टीमेटली मैंने कहा ना रास्ता ढूंढते रहिएगा, ओवरसीज कोई ट्रिप आ सकता है, या ये कोई ऐसा ट्रिप हो सकता है जो आपको पार्टी कराएगा, आपको मेंटली खुश करेगा। इसी तरह जेमिनी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबरें हैं, जिनके केसेस लगे हुए हैं, चाहे वो वकला हैं या जो जो विक्टिम्स हैं, या जो वकला के, वो क्या होता है, मुवक्किल, नहीं मुवक्किल तो कुछ और होता है, पता नहीं क्या कहते हैं, जो वकला के साथ जिसका केस है, उनके लिए भी अच्छी खबर है, जो फाइट कर रहा है केस उसके लिए भी अच्छी खबर है, मुवक्किल ही कहते हैं मेरे, मुवक्किल हमने अदालतों में सुना है। अच्छा, मैं गलत ना हो जाऊँ, तो जो है ये नज़र आता है
कि आप लोगों को जरा सा ना मेंटल पीस मिलेगा, दिमाग थोड़ा रिलैक्स होगा, ऐसे लगेगा जैसे कोई अच्छी खबर बन रही है और कोई मसला आपका आसान होने जा रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स को पेपर देते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी या रिज़ल्ट मज़े का आ जाएगा। तो इस वक्त जो है स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है, बाहर ट्रेवल करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की सपोर्ट में हैं। अच्छा जी, तो जेमिनी स्टूडेंट्स के लिए भी मौज कीजिए कि इनके लिए भी सितारा जो है वो इनकी सपोर्ट में चल रहा है जी। अगला सितारा हमारा आ गया कैंसेरियन, यानी कि बुध सरतान वाले जो लोग हैं, उर्दू में जिनके नाम हे से और इंग्लिश में जिनके नाम एच से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं जी। कैंसेरियंस जाते जाते सितारे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादती करके जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं घबराना नहीं, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, सच मुझ नहीं घबराना। मैं वज़ीर आज़म तो नहीं हूँ, मैं तो इनकी ज़ुबान बता रही हूँ और हमारे अल्लाह पाक का हमसे वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। इस वक्त बहुत से सितारे जो है ना वो आपके रिलेशनशिप हाउस में ज़रा सा दबाव डाल रहे हैं, लेकिन यही सितारे यहाँ से निकल भी जाएंगे और आपके लिए वही दबाव आसान हो जाएगा। आपके रिश्ते को इस वक्त तो दबाव पड़ रहा होगा, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे लोगों के साथ आपके रिलेशंस हैं, चाहे जो है वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, लेकिन अल्टीमेटली इस दबाव का आप ही को फ़ायदा होने जा रहा है। सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। कैंसेरियंस इस हफ्ते में जो है काम में लोगों के साथ बर्दाश्त वाला रेजोल्यूशन, तो बर्दाश्त जो है वो थोड़ी सी आपने काम करनी है अपने घरेलू मुलाज़मीन के साथ भी और अपने साथ काम करने वालों के साथ भी और अपनी हेल्थ में भी। जो है पैसों की इनकमिंग अच्छी खबरें हैं वो वाली यहाँ पे बहुत अच्छी खबरें हैं। हफ्ता की जो स्टार्ट है 6, 7, 8 और 9 6 to 9 January थोड़ा सा सितारा अप डाउन ऐसे कर रहा है। एक तो ये मैं पहले कहती हूँ ये यूरेनस का नंबर है इस साल जो है, और वैसे ही सितारा जो है वो बहुत रैपिड चेंजेस से गुजरेगा, और आपके पहले 4 दिन इस हफ्ते के अगर आप सदका दे देंगे और दुआ मांग लेंगे तो आप देखिएगा कि 4 दिन भी आपके लिए इतने आसान हो जाएंगे कि आपको यकीन भी नहीं आएगा, और उसके बाद 10, 11, 12 आपको इतना आसानी मिलती है, आपको इतना सितारे का कोऑपरेशन मिलता है कि आपको वो 4 दिन याद भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कैंसेरियंस भी मेरे लाडले हैं। वैसे मेरे तो 12 सितारे ही लाडले हैं, लेकिन कुछ क्योंकि बहुत मासूम हैं और इनका सितारा, इनको मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपका रूलिंग लॉर्ड चांद है, और चांद क्या करता है कि एक घर में 52 घंटों से ज़्यादा स्टे नहीं करता। इस वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रा ज़्यादा चेंजेस हैं। देखिए जब चांद की मूवमेंट से ज़मीन इफ़ेक्ट होती है, आपके आपके जिस्म के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन इफ़ेक्ट होती है, तो आपकी ज़िंदगी कैसे इफ़ेक्ट नहीं होगी ना। तो कैंसेरियंस थोड़ा सा दबाव रिश्तों के घर में पड़ रहा है और उसकी वजह से अल्लाह ना करे हेल्थ में आपको बेचैनी पैनिक अटैक ना हो, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही हूँ कि इस हफ्ते की 10 के बाद से फिर आपका सितारा आपके लिए एक आसानी पैदा करता है, आपका मूड भी अच्छा होता है और जो है आप वहाँ से इंशाल्लाह थोड़े से इजी भी होते हैं। तो ये है सूरत हाल, लेकिन वही वाली बात है कि सितारों का अप एंड डाउन तो चलता रहता है, इसीलिए हम तारीखों के साथ आपके साथ मैं हाज़िर होती हूँ और आप लोगों का फीडबैक ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद पानी पी के वापस आऊँगी, और जो है खांसी ब्रेक, शुक्र है बहुत फ़र्क है खांसी को, लेकिन आवाज़ अभी भी आपको नमूनिया ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन आज देखें चेंज देने के लिए ये जो मैं एफर्ट कर रही हूँ इसका फीडबैक लिखना है आपने कि आपको कैसा लगा मेरी छोटी सी कोशिश थोड़ा चेंज की। तो ये सामिया खान लाउंज से निकल के सामिया खान्स पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान।
मेरा जिगर, मेरा प्यार। तो मुलाकात होती है छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, सामिया खान, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि आज मैं लाउंज गलती से भी नहीं कह सकती, लेकिन क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हमें बाहर जाते हैं तो अपने मुल्क की कदर आती है कि अपने मुल्क में हम कहीं भी खड़े हो के बाहर जाके हम सेकंड सिटीज़न के तौर पे तो नहीं आएंगे ना। खैर, ये मैं आप लोगों को डीमोरलाइज नहीं कर रही, आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों से जिहाद कर रहे हैं। और हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम कहते थे कि रिस्क के लिए हिजरत करनी पड़ जाती है, और जहाँ रिस्क खुदा ने लिखा है वहाँ आपका नसीब आपको लेके चला ही जाता है फाइनली। तो अब हम बिस्मिल्लाह करेंगे बुर्ज लियो यानी कि बुर्ज असद से। जिनको नहीं पता अब की तारीख पैदाइश क्या है, और जिनका नाम उर्दू में मीम से और इंग्लिश में एम से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। अच्छा जी, लियो का ये हफ्ता जो है वो क्या ख़बरें देता है। 6 और 7 थोड़ा सा फुल ऑफ एक्टिविटीज़ दो दिन नज़र आ रहे हैं, अपने करियर से रिलेटेड, आपके अपने जो है जो भी आपके कोई एम्बिशंस हैं अपने काम को लेके, तो इन दो दिनों में उनको समअप कीजिए, क्योंकि इसमें सितारे की लक भी साथ शामिल हो जाएगी आपके। उसके बाद 8, 9, 10 और 11 के 4 दिन ऐसे हैं आपका शायद दिल ही ना चाहे काम करने को, आपको दिल चाहे कि बिस्तर में पड़े रहो। सर्दी लाहौर की इस वक्त इतने मज़े की है कि बिस्तर को छोड़ना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है इस वक्त में, कि बिस्तर से उठना, बिस्तर को गुड बाय कहना, रोना आता है, आंसू आते हैं कि जब बिस्तर से उठ के काम या पढ़ने के लिए जिनको जाना पड़ता होगा वो मेरे इस दुख को रिलेट कर सकते हैं। मुझे आज इस पार्क में आना था, मैं सुबह 8 o'clock से उठ के बैठ गई थी, मुझे तो खैर बहुत जल्दी आना था ताकि मैं हल्की हल्की सी सुबह पकड़ सकूँ, लेकिन मैं थोड़ी फेल हो गई। अच्छा जी, तो 8, 9, 10 और 11 जो है आप अपने आप को कोजी रखिए और थोड़ा आराम करने की कोशिश करें। अगर मूड ख़राब है तो बेवजह लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करें, ताकि जो है आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ, 12 जनवरी ऑनवर्ड्स जो आने वाला हफ्ता है उसमें फिर अच्छी खबरें आप लोगों को मिल जाती हैं। अच्छा जी, जो लियोस मोहब्बत में मुब्तला हैं, थोड़ा सा अगर अपने पार्टनर के साथ क्लैश, थोड़ी चिख चिख पिख पिख होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कोई भी मुझे गुलहरियाँ नज़र आ गई और मैं उनमें खो गई। अच्छा जी, तो वो जो है थोड़ी चिख चिख पख पख होती है, तो ज़रा अब बात को मुख्तसर करें, उतनी बात करें जितनी आपके पार्टनर को समझ आ जाए, ज़्यादा लंबी डिटेल्स में ना जाइए। अपने बच्चों के मामलात में विजिलेंट रहिएगा, उसमें आप लोगों ने लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, ताकि ये ना हो कि जो है वो बच्चों के जो मामलात हैं उसमें ज़रा सी लापरवाही यही आपका मुस्तकबिल हैं। और मैं बार बार कहती हूँ, ये बच्चे नहीं जो आप लोग पाल रहे हो, आप लोग एक सोसाइटी को बना रहे हो जिनके ज़िम्मे अल्लाह ने ये जिम्मेदारियाँ डाली हैं, तो आप लोग एक सोसाइटी को बनाने जा रहे हैं, तो आप लोगों की बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है अपने उसको लेके। आप लोगों के ज़िम्मे तो अल्लाह ने काम डाला है ना, तो उसमें आप लोगों ने चूकना नहीं है इस वक्त में। हेल्थ पे प्रेशर, दबाव सितारों का या मुलाजमत वाले हाउस में, लेकिन जो है इस वक्त अगर आप डटे रहेंगे या आप अपनी केयर करेंगे इंशाल्लाह, तो ये मसले आपके बिल्कुल हल हो जाएंगे। चाहे वो आपके घरेलू मुलाजमीन का मसला है, हल हो जाएगा, चाहे वो जो है आपके कोवर्कर्स के साथ ताल्लुकात हैं जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे बेहतरी आ जाएगी, या चाहे जो है वो आपका एक हेल्थ वाले एरिया में जो दो प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत सारे सितारे क्योंकि वहाँ हैं तो हेल्थ में दबाव भी डालेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि लियोज़ जो हैं वो वज़न पुट ऑन कर सकते हैं, उनका वेट बढ़ सकता है, तो इसकी आपको एक फ़ाइट करनी पड़ेगी, ताकि अगर आपको वेट से फ़ाइट करनी है। रिलेशनशिप, चाहे वो लोगों के साथ है, सोशल ताल्लुकात है, चाहे वो अज़दवाजी ज़िंदगी है या वो कारोबारी ज़िंदगी है, उसमें सितारा बहुत अच्छी खबरें बना के बैठा हुआ है। उसमें मज़ेदार खबरें ज़रूर हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जो है वो
वहाँ पे आपके लिए ज़रा माहौल खुशगवार रहेगा, ताल्लुकात जहाँ जहाँ पे ताल्लुकात आ जाते हैं माहौल भी खुशगवार रहेगा, दिन भी खुशगवार गुजरेंगे और इस वक्त आप मज़े में हैं। तो जो शादीशुदा लियो हजरात हैं इंजॉय करें, लेकिन जो इश्क माशूकी में मुबतला हैं वो थोड़े से मोहतात रहें। तो ये दो घर बिल्कुल सेपरेट बातें कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इसको ऐसे ही सुनना है। अच्छा जी, काम ढूंढने की कोशिश आपने बहुत रिलीजियसली करनी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस वक्त आपके काम में आसानी कर देनी है, आपके काम में कोई रास्ता खोल देना है। तो वो अब आपने बहुत सीरियसली एफर्ट करनी है अपने काम के लिए जो है। जी लियोस, आई थिंक होपफुली ऑल इज़ डन। अभी भी एक सितारा जो है वो दिमाग पे दबाव डालेगा, वहाँ से फिज़िकल हेल्थ पे दबाव आएगा, तो ये नहीं होने देना। आपने उस सितारे की साजिश को अभी भी कामयाब नहीं होने देना। जितना इंगेज रहिए, जब आपको गहरी नींद आ रही हो तब सोइए, और जब आँख खुल जाए बिस्तर को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो बिस्तर पे लेट के एक दुनिया में चले जाना, कैलकुलेशन करना, इन्हें चंगा नहीं किता, उन्हें मिन्ना माड़ी कीती, ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब कर देती हैं। तो ये आपने, अगर आप अपने आप को मेंटली इंगेज रखेंगे ना, तो प्रॉमिस बाय गॉड आपको कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती है। अच्छा जी, अगला सितारा आ गया वर्गो, यानी कि बुध सुंबला। उर्दू में जिनके नाम पे से और इंग्लिश में जिनके नाम पी से शुरू होते हैं, वो भी बुध वर्गो से अपनी मदद ले सकते हैं। अच्छा जी, वर्गोस का क्या कहता है सितारा? हफ्ता के पहले मैं पोजिशन पर आऊँगी, 6 से लेके 9 जनवरी तक, 6, 7, 8 और 9 जनवरी, 6, 7, 8, 9 जनवरी हैपनिंग डेज हैं, फुल ऑफ एक्टिविटीज़। चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे करियर के लोग हैं, चाहे मीडिया के लोग हैं, कहीं से ढोल बजने की आवाज़ आ रही है, और ढोल की आवाज़ खामखाई बेचैन कर देती है। अच्छा, तो ये जो 4 दिन हैं ये फुल ऑफ हैपनिंग डेज हैं, तो इन दिनों में आप लोगों ने जो है देखा, फिर आ रही है, देखिए मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है वर्गोस, ये देखे मैं सही कह रही हूँ ना, तो नहीं कहाँ है ये, काश मुझे करीब नज़र आ जाए, मैं आपको सुनवा दूँ। किधर होगा ये? ओहो, बहुत दूर है, हम उसको ला रहे, मैं सुनवाऊँगी आपको एक दिन ढोल की आवाज़, बस आप वो मुझे मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, ढोल की आवाज़ सुनवाऊँगी मैं आप लोगों को। अच्छा जी, तो ये जो दिन है वर्गोस, कैश कीजिए, जिन्होंने जिनके रुके हुए काम हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह पाक और सितारों की मदद से उनकी पॉजिटिव रेडिएशन जो ज़मीन पे आ रही है और रब ताला की मदद शामिल हाल होगी, तो ठक 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 काम होंगे, तो गेट रेडी फॉर दैट। 10, 11 और 12 इन दिनों में अगर किसी दोस्त पे गुस्सा आता है, आपके अंदर एक एंगर आता है, तो आपने उसको फाइट करना है, क्योंकि एक एंगर जो है वो आपको थोड़ा सा आपका मूड ख़राब करेगा, दोस्ती पे बेवजह आपको गुस्सा आएगा, दोस्त के ऊपर जो है, हो सकता है देखें दोस्त बुरा ना हो, ये वाला वक्त दोस्ती में बुरा हो, तो मेरी इन दो बातों को याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये रिश्ता बच जाए, अगर आप खामोश हो जाएंगे, थोड़े मसलहत पसंद हो जाएंगे वर्गोस, तो हो सकता है कि ये दोस्ती, ये रिश्ता टूटने से बच जाए आपका। अच्छा, दूसरा जो है, इस वक्त जो मेरी बहनें कंसीव करना चाहती हैं, जिनको चाहिए औलाद की नेमत, बेस्ट टाइम है, कोशिश शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक सितारों की गैलेक्सी यहाँ मौजूद है, और आपकी एफर्ट और आपकी जो दुआ है और आपकी जो दवा है वो अच्छा नतीजा सामने ला सकती है। हो सकता है अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना से नवाजें, और जिनके बच्चे हैं वर्गोस, उनको बच्चों की साइड से अल्लाह पाक खुशियाँ देंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा आपने बच्चों के मामले में गफलत नहीं करनी, लापरवाही नहीं करनी है। घर वाले जो आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, इस वक्त आपने उनसे कोई फड्डे में नहीं जाना, किसी किस्म के कॉन्ट्रोवर्शियल इशू में उनके साथ नहीं जाना आपने, क्योंकि ये वाला वक्त जो है ये रिश्तों को आपस में लड़वाए ना, दरारें डाल दे, और अपने अपने होते हैं।
چاہے جیسے بھی ہیں انسان, کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ درخت کو بھی دعا ہوتی ہے کہ وہ بھی اکیلا نہ ہو ایک جگہ پہ. تو رشتے اسٹرینتھ ہوتے ہیں, رشتے کانفیڈنس ہوتے ہیں, اور جب آپ کے اندر ایک پیار ہوتا ہے رشتوں کے لیے تو یاد رکھیں خدا نے یہ پیار ہی آپ کا جو ہے یہی آپ کو نوازے گا یا آپ کو پکڑوائے گا. تو نفرتیں کدورتیں یہ دلوں میں نہ رکھا کریں. اگر کوئی آپ کے آگے معافی مانگتا ہے نا تو پلیز معاف کر دیجئے اس سال میں, اور کوشش کیجئے اس درد کو بھی اندر سے نکال دیجئے. اچھا جی, ورگوز, ہیلتھ ایریا میں بھی اچھی خبر ہے, آپ کے جاب ایریا میں بھی اچھی خبر ہے. کام کرنا اب آپ کو کمفرٹیبل لگے گا, اور ہیلتھ میں بھی ستارہ جو ہے وہ پازیٹیو بلیسنگ دے رہا ہے, جس کی بنا پہ نظر آتا ہے کہ اب آپ ایک اچھی اور صحت مند زندگی کو انجوائے کریں گے. جن کے ملازمین کے ایشو تھے, چاہے وہ ورک ایریا میں ہو چاہے وہ ہو آپ کے گھر کے ایریا میں, وہ ملازمین کے ایشو وہاں پہ ریزولو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جی, ہفتے کی خبر صرف 10, 11, 12 میں صدقہ دے دینا ہے ورگو, اور جو ہے معاملے آسان, دعا اور صدقہ رد بلا, ہر مشکل آسان. اچھا جی, اس کے بعد آ گیا لبرا, یعنی کہ برج میزان. جن کو نہیں پتہ اپنی تاریخ پیدائش کیا ہے اور جن کے نام انگلش میں آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہیں, اردو میں رے سے, تے سے, توئے سے, وہ بھی برج میزان سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. پہلے تو میں آؤں گی ہفتے کے دنوں پہ, 6 اور 7 کی تاریخ ایسی موڈ خراب ہو جائے گا, کوئی ایسی خرچے کی خبر مل سکتی ہے کہ آپ کو لگے گا یہ بوجھ ہے, اس کو میں کیسے اتاروں, اس کو میں کیسے پے آف کروں, لیکن مینج ہو جائے گا کیونکہ جو اگلے آنے والے دن ہیں وہ فوراً ہی ریلیکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 8, 9, 10 اور 11, 8th of Jan سے لے کے 11th of Jan تک کے جو دن ہیں وہ آٹومیٹیکلی ان ایشوز کو وہاں پہ ریزولو کر رہے ہیں. کریئر وائز بھی اچھی ڈیٹس ہیں, کوئی بزنس ریلیشنز میں اچھی خبر آ سکتی ہے. 12 کا دن بھی ٹھیک نظر آتا ہے, کوئی مشکل نظر نہیں آتی اس میں آپ کے لیے. صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ جن کے ان لاز آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑے سے پینکی ہیں, تھوڑے سے جو ہے وہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہے ہیں, تو ایک ہلکی سی برداشت, چونچی چونچی کا جو ریزولوشن, اور ہلکا سا صبر, ہلکی سی زپ, اور یہ تھوڑا سا ٹائم ہے جو کہ گزر جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کچھ آپ کو لگ رہا ہوگا, جن کے گھروں کے پروجیکٹس شروع ہوئے ہوئے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے بہت دباؤ پڑ رہا ہے, شاید یہ خواہش پوری نہ ہو سکے یا گھر کا یہ مسئلہ ریزولو نہ ہو سکے, لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ, وہ مسئلہ آپ لوگوں کا حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. بچوں کی مدد آپ کے ساتھ ہے, پیار کرنے والوں کی اسٹرینتھ آپ کے ساتھ ہے, آپ کی فیملی کی مدد آپ کے ساتھ نظر آتی ہے لبرا. گھر کا سکھ بھی ملے گا, گھر والوں کا سکھ بھی ملے گا, لیکن تھوڑا بہت جو ہے اس وقت جنوری ذرا سا پریشر ڈال رہا ہے, لیکن وہ پریشر لبرا سے زیادہ مفاہمت میں نے کسی لوگوں میں نہیں دیکھی. اتنے مفاہمت پسند ہوتے ہیں, اتنے مصلحت پسند یہ لوگ ہوتے ہیں, اتنے امن پسند یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنگجو سے جنگجو بندہ بھی ہو وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو ہی جاتا ہے. تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو پازیٹیوٹی ہے آپ لوگوں کی آپ کے دشمنوں کو سرنڈر کرا دے گی, یہ تو پھر اپنے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کیونکہ اپنوں والے گھر میں ستارے ڈسٹرب ہیں, لیکن جو آپ کا پازیٹیوٹی ہے وہ تو آپ کے دشمن زیر کرا دیتی ہے, آپ کا دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, یہ تو پھر آپ کے اپنے ہیں. لائن اچھی لگی مجھے, لیکن اینی ویز جی, صرف 12 کا دن صدقہ دے دیجئے گا, باقی جو ہے وہ ایسی کوئی اس میں ہمیں مجبوری نظر نہیں آتی ہے, اور یہ دن بھی آپ کا خیر خیریت سے گزر جائے گا. اچھا جی, اب میں آ گئی, اگلا ستارہ ہے اسکارپیو, یعنی کہ برج عقرب کے جو لوگ ہیں, اردو میں جن کا نام نون سے اور انگلش میں جن کا نام این سے شروع ہوتا ہے, وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. جی اسکارپینز, کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے, آپ کے ستارے کہتے ہیں کہ ہفتہ تو بڑا فل آف
हैपनिंग है। 6 और 7 घर से बड़ी आपको जय जयकार मिलेगी, घर से आपको बहुत प्यारा रवैया मिलेगा या आपकी घरवाली का या आपके घर वाले का, तो सितारा वहाँ पे बहुत पॉजिटिव है। 8 और 9 की जो तारीखें हैं, पैसे की इनकमिंग भी है लेकिन साथ खर्चे का न्योता भी है, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे तो आते हैं ना कहीं से। इसी तरह 10, 11 और 12 की जो तारीखें हैं, ये भी स्कॉर्पियंस बड़ी इजी डेट्स हैं। तो ये हफ्ता तो स्कॉर्पियंस आप पहले हैं जिनका एक भी दिन इस हफ्ते का किसी खतरे में नहीं है। अच्छा जी, खर्चे ज़रा होते रहेंगे लेकिन उस हिसाब से अल्लाह ताला खर्चे करने के लिए असबाब भी पैदा कर देगा, तो इंशाल्लाह उसकी अच्छी खबर है। आपका जो लोग शहर बदलना चाहते हैं, स्कॉर्पियंस बहुत अच्छा टाइम है शहर बदलने के लिए, पोस्टिंग मन पसंद लेने के लिए। दफ्तर के हालात अब आपके अप टू मार्क होने जा रहे हैं, वहाँ पे सितारा पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। घर में मैं सबसे पहली बात कहती हूँ तो कि घर में अमन हो तो आप बाहर की जंग लड़ना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है, मर्दों के लिए ख़ास तौर पे। इसलिए मैं तो हर जो बीवियाँ मेरे पास आती हैं तो मैं उनको ये बात समझाती हूँ कि अगर आपका आदमी बाहर जंग लड़ रहा है ना, तो अपने घर में उसको सुकून दो ताकि उसके लिए बाहर की जंग, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ ना, अगर मेरे घर में सुकून है, मेरी माँ ठीक है या मेरा जो मेरी जो मुलाजिम है वो मेरे साथ ताउन कर रहे हैं, तो मुझे बाहर की जंग को मैं सुकून से लड़ सकूंगी, वरना मैं काम नहीं कर सकूंगी, मेरा ध्यान वहीं रहेगा। तो स्कॉर्पियंस घर के फ्रंट पे सुकून नज़र आ रहा है, दफ्तरी माहौल में दुश्मन एक एक करके मरते जाएंगे। जो जो जनवरी गुजरेगा तो आपको अपने हालात में बेहतरी नज़र आती जाएगी। उसके अलावा जो है जी, इंशाल्लाह हफ्ता भी आपकी उसमें है, सेफ्टी में है सारा। मोहब्बतों के मामले में स्कॉर्पियंस जो बच्चे एडवेंचर करना चाहते हैं, कोई एडवेंचर उनके गले ना पड़ जाए, कोई डिसेप्शन, कोई धोखा आपका दिल ना तोड़ के चला जाए। और स्कॉर्पियंस के बारे में मैं हमेशा ये कहती होती हूँ, वैसे तो गलत बात है कहना, इश्क अंधा ही होता है वरना होता ही नहीं है। तो जो ये जो पहला इश्क कर बैठते हैं वहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो स्कॉर्पियंस मेरी आपके लिए दुआ भी है कि अल्लाह पाक जो बच्चे इस साल एडवेंचर करना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक सही चॉइसेस कराएं आपके लिए, क्योंकि डिसेप्शन के चांसेस आर देयर। तो आपने सोच समझ के अपना पार्टनर सेलेक्ट करना है, टेढ़ी चीज़ों की तरफ इंक्लाइंट नहीं होना। टेढ़ा आदमी, टेढ़ी औरत, फिर वो टेढ़ा ही करके जाएगी ज़िंदगी में, फिर वो सीधा नहीं होगा कुछ भी जो है ना, वो फिर ऐसे ऐसे टेढ़ा ही होगा। तो मेरी बात को याद रखिएगा, मेरी बात की डेप्थ को पकड़िएगा स्कॉर्पियंस। इंशाल्लाह हफ्ते का इतना ही, साल का हाल भी आप लोगों को जल्दी ही मैं देने वाली हूँ, लेकिन एक एक करके, क्योंकि उस पर बहुत मेहनत है, मेहनत के बगैर मैं काम नहीं कर सकती होती। एक एक सितारे पे होमवर्क होगा और साथ के साथ मैं आपको वो होमवर्क देना शुरू कर दूंगी, और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको काम मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अभी मैं लूँगी छोटी सी ब्रेक और अगले 4 सितारों का हाल इंतज़ार कीजिएगा, मैं यूँ गई यूँ वापस आई। जी वेलकम बैक, सामिया खान के पाकिस्तान में, अकेला मेरा नहीं है, मैं तो लाउंज के साथ कंटिन्यूटी बना रही हूँ कि सामिया खान लाउंज था, आज हम आपको लाउंज से बाहर निकल के, जो मेरे परदेश में, मुझे पता है मुझे बहुत सारे मेरे लिसनर्स बहुत सारे मुल्कों में हैं, तो मकसद क्या है मेरा, वतन की मिट्टी की खुशबू आपको आनी चाहिए और इस वीडियो में से भी आपको आएगी, क्योंकि हमारा मुल्क ही ऐसा है। और ये जितने प्यार से बना है, बना तो बहुत मुश्किल हालात में है, लेकिन जितने प्यार से बना है, ये हो नहीं सकता कि ये जो है इसकी खुशबू आपको दूर बैठे, चाहे स्विट्ज़रलैंड में है, चाहे आप जो है हवाई में हैं, आप कहीं हैं दुनिया की खूबसूरत खत्तों में, इस मिट्टी की खुशबू बेचैन ज़रूर करेगी। ये आपने वीडियो की फीडबैक देनी है, मेरी इस एफर्ट का मुझे नतीजा आप ही लोगों से चाहिए। अच्छा जी, अब बारी है सजिटेरियस यानी के बुर्ज कौस वालों की जो है। सबसे पहले मैं आ जाऊँ कि हफ्ता कैसा रहेगा। 6 और 7
6-7 جنوری کی جو دو ڈیٹس ہیں, خاص طور پہ آپ نے اپنی جان کا, اپنی ہیلتھ کا صدقہ دینا ہے. دوسرا, اپنے کام کے پریشر کو آپ نے مینیج کرنا ہے ان دو تاریخوں میں, جو ہے 8 اور 9 کی جو تاریخیں ہیں یہ پھر ایزی ہیں, آپ کا پریشر ریلیز ہو چکا ہوگا یا ہیلتھ کا وہ جو کرائسس تھا اس میں سے انشاءاللہ آپ نکل چکے ہوں گے. 10 اور 11 کی تاریخیں مالی دباؤ انڈیکیٹ کر رہی ہیں مجھے, یہ بڑے لیول کا بھی ہو سکتا ہے, ڈومیسٹک لیول پہ بھی ہو سکتا ہے, پیٹی ایشوز کا بھی ہو سکتا ہے, تو اس وقت آپ نے ڈیل کرنا ہے, یہ آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے, یہ آپ نے اس پریشر کو ڈیل کرنا ہے اس وقت میں جو ہے, کیونکہ یہ والا جو ٹائم ہے یہ تھوڑا سا پریشر بلڈ اپ کرے گا آپ لوگوں کے لیے اس وقت کو لے کے جو ہے. 12 جنوری آن ورڈ پھر آپ کی پرواز کو کوئی نہیں روک سکتا. تو سیجیٹیرینس, یہ جو دن ہے صرف 6 اور 7 کا دن, اپنے ورک ایریا میں, اپنے گھریلو ملازمین, اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ اور آپ کا ہیلتھ ایریا, ان فرنٹس پہ آپ نے کرائسس کو مینیج کرنا ہے. اچھا سیجیٹیرینس, ویسے بھی آپ لوگوں کے اندر ایک پرابلم ہے کہ منافقت آپ لوگوں کو نہیں آتی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ اگریسو نہیں ہونا, آپ نے کسی بھی کے اشتعال دلانے میں, خاص طور پہ یہ مزے کی بات ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کا جو ستارہ ہے وہ ایف, جو ایف کا رولنگ ستارہ جو ہے وہ حکمران, وہ جوپیٹر سیجیٹیریس ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں, وہ یہی ہے. اسی طرح جو ہے یہ ایف نام کے اوپر جو ہے اس وقت ستارے کی ایک لوڈ رہے گا کہ مزاج میں تھوڑا سا اگریشن آ سکتا ہے آپ لوگوں کے. اچھا دوسرا, ٹریولنگ اگر رشتہ داریوں کی غرض سے کرتے ہیں, شادیوں پہ کہیں اندرون ملک جانا پڑتا ہے, ماحول اچھا رہے گا, خاندان کے لوگوں میں کوئی خطرہ نہیں ہے, اس وقت آپ کھل کے میل ملاپ, شادی اٹینڈ یا اپنی ویکیشن اپنی اسپینڈ کرنے کے لیے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, جہاں پہ بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں, کیونکہ اس وقت ٹائم وہاں پہ بہتر ہے. تو جی 6 اور 7 کے جو دو دن ہیں یہ ضرور آپ کی ہیلتھ کے اوپر جو ہے تھوڑا سا سٹریس انڈیکیٹ ہو رہا ہے 6 اور 7 کے جو دو دن ہیں. اس کے بعد جی میں آ گئی کیپریکورنین یعنی کہ برج جدی کے اوپر جو ہے, انگلش میں جن کے نام جے سے, جی سے, زیڈ یعنی زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. کیپریکورنینز آپ کے لیے تھوڑی سی جو ایک احتیاط ہے کہ آپ لوگوں کو گاڑی دھیان سے چلانی ہے, آپ نے اپنی موومنٹس کو سلو رکھنا ہے, آپ نے اپنے لیے دشمن پیدا نہیں کرنے, یہ 2-3 فرنٹس کے اوپر آپ کی ذرا سی ایک احتیاط ہے. اگر سیف ڈرائیور ہیں پھر بھی میں کہوں گی کہ اپنی گاڑی کی مکینیکل سروسز کو سوچ کے چلیے گا تاکہ آپ کے لیے کوئی بھی کہیں پہ بھی پرابلم نہ بن سکے. جو کیپریکورنینز بزنس میں ہیں اور جو کیپریکورنینز شادی کے خواہش مند ہیں, اس وقت ایک ستاروں کا دباؤ آپ کو پریشان کر سکتا ہے, کبھی ہوپ بنے گی, کبھی لگے گا ہوپ ٹوٹ رہی ہے, کبھی آپ کو اس میں مشکل پیش آئے گی. اس وقت آپ میرے زندہ دلانے لوگ جو ہے نا وہ, میں ذرا رش والی جگہ پہ آ گئی ہوں, آپ آواز کو سنو گے, ڈسٹرب ہو رہے تو ہم کہیں, اچھا اوکے ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آواز ٹھیک آ رہی ہے, میں نے کہا اگر آپ لوگ ڈسٹرب ہوتے تو مجھے تو پھر بعد میں بڑی گالیاں سننی پڑتی ہیں. تو اس وقت جو ہے دباؤ ضرور پڑے گا ستاروں کا, لیکن اس کا نتیجہ آپ کے فائنلی حق میں ہے. کیپریکورنینز آپ کی شادی کا یہ سال ہے, اور جو شادی کے خواہش مند ہیں اس وقت انشاءاللہ کوئی بہتر حالات بنیں گے آپ لوگوں کے لیے جو ہے. دوسرا, آپ کی جو سب سے بڑی بلیسنگ ملنے جا رہی ہے مال میں آسانی, خانہ مال میں آپ کے لیے آسانی بن رہی ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیسوں میں ریلیکس کریں گے, فائنینشیل ریلیف کی خبر بنے گی آپ لوگوں کے لیے. اور جو ہے اگر کہیں کوئی پرابلم ہے تو ابھی آپ نے نہ شادی کا فیصلہ جلد بازی میں کرنا ہے, جنوری کو گزر جانے دیجئے,
फिर जिसके हक में वोट डालना है या कोई बिजनेस रिलेशनशिप साइन करनी है तो भी हर तरह की मंसूबाबंदी करके, हर तरह का लीगल वर्क करके जल्दबाजी में कोई काम ना कीजिएगा, क्योंकि अभी सितारे कहीं पे भी ट्रैप कर सकते हैं आपको। और ये जो एग्रीमेंट होगा या ये जो रिलेशनशिप होगी, इसके कोलैप्स करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं अगर आप इस वक्त में साइन करते हैं। तो सो बी वेरी केयरफुल नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए, चाहे वो बिजनेस हैं चाहे वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ तो बहुत मोहतात रहिएगा। और जहाँ तक हफ्ते का ताल्लुक है तो बाकी सारी डेट्स इस हफ्ते में कैप्रिकॉर्नियंस ठीक हैं, सिर्फ 8 और 9 की दो तारीखों को छोड़ के। इन दो तारीखों में आपने अपनी जान का सदका भी निकाल देना है और दुआ भी करनी है, क्योंकि ये दो तारीखें जो हैं ये ज़रा सा प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप कर रही हैं, इसके अलावा कोई ख़तरा नहीं है। तो इन दो तारीखों में 8 और 9 की जो दो तारीखें हैं इसमें आपने अपना सदका निकाल देना है। 6 और 7 की तारीख भी एक खुशगवार नज़र आती है। 10 और 11 भी रिलेशनशिप, चाहे वो आपके ज़ाती ज़िंदगी के हैं, वो कारोबारी हैं, वो रुमानवी हैं, उनमें लक सपोर्ट कर रही है। हाँ, 12 का दिन अखराजात की निशानदेही करता है, गुजर जाएगा पैसे इस साल इस महीने, क्योंकि पैसों की इनकमिंग आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगला सितारा आ गया एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिलो। अच्छा जी, इंग्लिश में जिनके नाम एस से शुरू होते हैं और जिनको नहीं पता उनकी तारीख पैदाइश क्या है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। एक्वेरियंस, आपको जो हफ्ते की इस हफ्ते की जो तारीखें हैं इनमें सिर्फ 10 और 11 10th और 11th जनवरी, ये दो तारीखें ऐसी हैं जिसमें आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे, अपने काम का प्रेशर भी आप मैनेज करेंगे। बाकी इस हफ्ते की कोई भी जो तारीख है वो परेशानी वाली नहीं है। 6 से लेके 12 जनवरी तक बाकी सब डेट्स ठीक हैं, सिवाय 10 और 11 सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी आप लोगों ने, अपनी जान के मामले में नहीं करनी। दोस्तियाँ इस वक्त थोड़ा सा दिमाग को टेस्ट कर सकती हैं, तो अपनी हाई होप्स मत रखिएगा दोस्तियों के उसमें ज़ुमरे में जहाँ तक आता है सितारा। दूसरा जो है रूहानी तौर पे, मैं बार बार कह रही हूँ कि जिस भी एक्वेरियन का जो भी रिलीजन है, वो हिंदू है, वो इस क्रिश्चियन है, वो जो है मुसलमान है, वो एथियस्ट है, वो जो भी है, अपने रिलीजन से ज़रा कनेक्टेड हो जाइएगा, क्योंकि इस वक्त चीज़ें अनसर्टन जब होंगी तो आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने रिलीजन से कनेक्टेड हो जाएंगे तो यही चीज़ें आपको डील करनी आसान हो जाएंगी। आपने अपनी दिमागी हेल्थ का भी ख्याल रखना है और अपनी जिस्मानी हेल्थ को भी लापरवाही नहीं कर सकते आप एक्वेरियंस दोनों साइड से। ना आपने अपनी जिस्मानी सेहत को लापरवाही करनी है, तो जब आप अपने मज़हब से कनेक्टेड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो मुश्किलें होती हैं, कभी दिमाग पे दबाव आता है, मैं आपके साथ हर तरह की दुआ शेयर किया करती हूँ। मैंने ये भी कहा था कि अगर आप लोग सूरत अज़ुहा पढ़े, रात को 3 मरतबा पढ़ के सो जाएं, तो आप देखें कि कैसे रोशन आपका दिमाग होगा। तो एक्वेरियन इस वक्त आप लोगों को स्पेशल ये मेरी ताकीद है कि अगर आपके साथ दिमाग पे बोझ पड़ने लगे तो आप लोगों ने ये मेरी जो है ना वो करना है कि आपने सूरत अज़ुहा 3 टाइम्स पढ़नी है और आपने उसको जो है वो सो जाना है अल्लाह का नाम लेके। और बाकी इस हफ्ते में 6 और 7 दो तारीखें जो हैं ये कोशिश कीजिएगा कि जो घर के लोग हैं, बहन भाई पेरेंट्स, ज़रा सा इनमें ख्याल रखिएगा, किसी की परेशानी या उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानी ना आए। 8 और 9 चिलिंग दो तारीखें हैं। 10 और 11 मैंने आपको कहा है कि इन दो तारीखों में आपने अपना सदका निकाल देना है। 12 की तारीख फिर आपके लिए इत्मीनान बख्श है इंशाल्लाह। दोस्तियों को आजमाना नहीं है, वैसे भी नहीं आजमाना चाहिए, जिन रिश्तों से आप प्यार करते हैं उन्हें कभी भी नहीं आजमाना चाहिए।
अब आ गया आखिरी आसमानी सितारा पाइसिस, यानी कि बुर्ज हूत। क्या खूबसूरत नेचर, कितनी खूबसूरत चीज़ है, इतनी प्यारे वो बर्ड्स लग रहे थे यूँ झुंड में फ्लाई करते हुए। मैं तो हमेशा अपनी एक जो मेरी विशेज है ना, उनमें मैं एक विश लिखा करती हूँ, काश मैं परिंदा होती। मैं उतना खाती जितना मुझे लालच ना होता, मुझे उतना ही पता होता कि इतना ही से मेरा आज का दिन गुजर जाएगा। अपने साथी को भी बताती, आ जो वहाँ पे बाजरा पड़ा है, झुंड में फ्लाई करती। मुझे ना मेरे मुझे हिसाब का ख़तरा होता रोज़े हशर, ना मुझे अपनी आखिरत से खौफ होता। तो ये जो है, मैं हमेशा अपने लिए विश करती हूँ कि काश मैं परिंदा होती। इतने प्यारे लग रहे थे झुंड में अभी फ्लाई करते हुए, काश कि मैं दिखा सकती, लेकिन क्योंकि हमारा कैमरा रिवॉल्विंग अभी नहीं है तो हम ऐसे मंजर अभी पकड़ नहीं सकते। आखिरी आसमानी सितारा पाइसिस, यानी कि बुर्ज हूत। अच्छा जी, पूरा हफ्ता आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खबरें हैं। 6 जनवरी से ये शुरू होगा और 11 जनवरी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल की रिपोर्ट है आपके फ्रंट पे, सिवाय 12 का दिन 12th जनवरी संडे होगा, वो थोड़ा सा एक लोड इंडिकेट कर रहा है, इसके अलावा ज़रा सी परेशानी है। करियर में कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना, कोई भी काम आपने जो है वो स्पीड में नहीं करना, कोई भी काम आपने वो कहते ना नतीजा सोचे बगैर नहीं करना, ये ज़रा सी इसमें आपके लिए ताकीद है। और ख्वाहिशात होती हैं इंसान की, इस वक्त आपको लगेगा कि जैसे दबाव पड़ रहा है, या मैं जो चाहता था या मैं जो चाहती थी वो मैं नहीं हासिल कर पाई ज़िंदगी से, लेकिन ये वो हाई टाइम है जिसमें हिम्मत ना हारिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है वो आपकी विशेस को भी पूरा कर रहा है, वो आपकी ख्वाहिशात को भी पूरा कर रहा है। लेकिन इस वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब आपको लगेगा कि जो है वो ख्वाहिश पूरी हो सकती थी लेकिन नहीं हो रही है, तो ये आपने इस वक्त में मायूस नहीं होना बिल्कुल भी। और ज़हनी तौर पर पाइसिस जो आपका सितारा है वो कहते हैं कि कुछ भी हो रहा हो, बड़े अरसे के बाद आप थोड़ा पीसफुल महसूस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको लगेगा मेंटल पीस मेरे अंदर आ रहा है, मैं पहले से खुशगवार हालात के अंदर हूँ। तो ये मेंटल पीस इंशाल्लाह एक इंडिकेशन होती है आप लोगों के लिए, वो यहाँ पे नज़र आता है कि इस वक्त आपके अंदर बढ़ेगा आएगा और आपको एक सुकून सा महसूस होगा। तो पाइसियंस ये वाला हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल की रिपोर्ट है। सिर्फ अगर कोई ख्वाहिशात जल्दबाजी में पूरी नहीं हो रही, तो जो हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है आपके सितारे के अंदर, वो आपने उसी से काम लेना है, और वो आपको इस वक्त जो है ताकि कोई चीज़ गिरने नहीं देगी। और एक चीज़ और, ख्वाहिश की कोशिश गिव अप नहीं करनी, क्योंकि ये नज़र आता है कि जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, उसमें देर ज़रूर है, रब के घर में अंधेर बिल्कुल नहीं है। तो जी, ये तो था आज का हमारा जो था वो सारा शेड्यूल, कि आपका ये पकड़ेंगे ज़रा मुझसे हेलो, तो वो ये था सारा शेड्यूल इस हफ्ते का कि कैसा रहेगा ये हफ़्ता। और अल्लाह पाक सबका ही सुकून से गुजारें। लेकिन मैंने देखा है कि जनरली अच्छी खबरें हैं, कोई बुरी खबरें किसी तरफ से नहीं बन रही हैं, तो जनरली खबरें हमें बेहतर ही नज़र आ रही हैं। और किसी के दो दिन कहीं पे वीक हैं, किसी के दो दिन कहीं पे वीक हैं, तो इंशाल्लाह जो है मैंने आपसे पहले कहा है उसके शुरू में कि आज से आपने वीडियो के एंड पे जब कमेंट्स लिखते हैं उसमें आपने अपने 3 सवाल, या सवाल भी ना डालिएगा, नहीं सवाल डाल दीजिएगा, यस, और साथ आपने अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, और अगर हो सके तो कॉन्टेक्ट ना डालिएगा, क्योंकि फिर ऐसे आपको रैंडम वो कॉल्स ना आनी शुरू हो जाएं। और ये है हमारा आज का हॉरोस्कोप। और अगले उससे ये जो आप मेरी फजूल किस्म की बातें सुनते हैं ये नहीं सुना करेंगे, सीधा हॉरोस्कोप हुआ करेगा। हॉरोस्कोप के बाद वो 5 लोगों के जायचे आ जाए करेंगे, आपको हॉरोस्कोप का आखिरी पोर्शन देखना पड़ेगा अपने सवालों के जवाब सुनने के लिए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से अगले हफ्ते नई खबरों के साथ, नए सितारों की चालों के साथ। टिल देन
आपने दुआ नहीं छोड़नी सामिया खान लाउंज के लिए मांगनी। सामिया खान लाउंज है तो ये नकलो हरकत जारी है, सामिया खान लाउंज नहीं है तो कहाँ की मैं आपको सैरें कराऊंगी। ये तो आप मुझे देखते हैं तो हमने अपने अर्ज़ पाक वतन की सोचा है कि आपको मिट्टी की खुशबू की सैर भी कराएं, जो हमारा मुल्क जहाँ पे एक लोगों को लगता है कि हम किसी हालत जंग में बैठे हुए, ऐसा नहीं है। आप हमारे बच्चों का खेलना देखें, आप हमारे लोगों के, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना दो प्यारे प्यारे से नौजवान किस तरह अपना गिटार बजा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो ये ज़िंदगी जो है ये ऐसी ही है, हम जीना जानते हैं और क्योंकि हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम तो ख़ुद विक्टिम्स हैं। हमने इन हालात में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, इन हालात में भी हमने काम करना नहीं छोड़ा। और एक और बात जाते जाते आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मैंने आप लोगों को नंबर शेयर किया था 03064477। मैंने उस पर आपसे कहा था कि अगर आपने मुझसे टाइम मांगना है तो इस पर एक मैसेज लिखना है, आपको कॉल आ जाएगी। मैंने उस पर ये नहीं लिखा था कि मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। प्लीज़ बराए मेहरबानी ये ना कीजिएगा, मुझे गुनहगार मत कीजिएगा। मेरे पास ना वक्त होता है कि वो मैं इतनी लंबी लंबी स्टोरीज़ को पढ़ सकूँ। मैं सिर्फ वो फ़ोन जो है उसको मैं दे देती हूँ उस लड़की को कि इसमें जिसने लिखा है कि उसे टाइम चाहिए उसको अपने टाइम दे देना है। तो ये ऐसा ना कीजिए, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए कि मैं आप लोगों के साथ चल सकूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते फिर। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानुल्लाह।